गुड मॉर्निंग सर बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारा छठा पाठ हमारा तिरंगा झंडा। आज जो है हम इसके जो अभ्यास कार्य के जो आगे के प्रश्न है वो देखेंगे। इसके पहले हमने जो है प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्न देखे थे, तो आज उसके आगे का प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6, जिस शब्द से मन के भाव गुण तथा अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, मिठास आदि। अब यहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञा क्या होती है ये पहले देखना होगा। तो देखिए, जिस शब्द से मन के भाव गुण तथा अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, मिठास आदि। भाववाचक, अभी यहाँ पर प्रश्न दिया गया है वो देखिए, भाववाचक संज्ञा के सामने सही का निशान लगाइए। जो इन शब्दों में से जो भाववाचक संज्ञा के शब्द है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो देखिए शब्द कौन से, देश, चार, हरियाली, लड़ाई, लड़ाई, झंडा, सच्चाई, स्वतंत्रता, नीला, वीरता, भारत, अच्छाई और सफलता। इसके अंदर देश ये भाववाचक संज्ञा है क्या? नहीं। चार ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। हरियाली ये भाववाचक संज्ञा है। हरियाली, लड़ाई ये भी भाववाचक संज्ञा है। झंडा नहीं। सच्चाई ये भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता ये भी भाववाचक संज्ञा है। नीला ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। वीरता ये भाववाचक संज्ञा है। भारत ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छाई ये भाववाचक संज्ञा है। और सफलता ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से ये जो है भाववाचक संज्ञा है जो कि मन के भाव गुण और अवस्था का जिससे हमें पता चलता है उसे क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगे का प्रश्न देखिए, यह भी जानिए। अब यहाँ पर कुछ हमें मालूमात दी गई है, महत्वपूर्ण माहिती दी गई है, यहाँ पर मालूमात दी गई है वो हमें देखना है। तो देखिए, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। हमारा राष्ट्रगान जो था जनगण मन है और इसे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इसे गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। अगला देखिए, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है और जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने लिखा है। अगला देखिए प्रश्न, जो वाक्य देखिए, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फिर अशोक चक्र है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को फहराया गया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट के ऊपर 29 मई 1953 को फहराया गया है। अब देखिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? अपने जो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कक्षा में बताइए। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? देश के गौरव का प्रतीक है। उसकी गरिमा को बनाए रखना हम सबका
कर्तव्य है। देखिए बच्चों, जब भी ध्वज फहराएंगे उसके रंग सही क्रम में होने चाहिए, ध्वज फटा हुआ नहीं होना चाहिए, उल्टा ध्वज हमें फहराना नहीं चाहिए, जमीन से ध्वज नहीं छूना चाहिए और सूर्यास्त के समय उसे उतार लेना चाहिए। ये तो है राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक दो, अपने शहर के किन्हीं तीन सरकारी भवनों के नाम बताइए जहां प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो आपको अगर आपके शहर में ऐसे तीन सरकारी भवनों का नाम बताना है जहां पर क्या है प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो उसके नाम भी आपको जो है लिखना है। तो इस प्रकार से ये भाग हमने देखा, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखने वाले हैं।